नमस्कार, ये है भीगमपुर रोड और भीगमपुर रोड से हम आपको लेकर के चलते हैं उस अपने मकान की तरफ जो कि देवरिया में बना है और एकदम लग्जरी मकान। जी हाँ दोस्तों, एकदम लग्जरी मकान बना है और इससे खूबसूरत मकान देवरिया में आपको दूसरा कोई देखने को भी नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा मकान है। तो हम मेन रोड, ये जो है अपना भीगमपुर रोड जो अब ये रामलाल टोला चालू होता है उसी रोड से हम सीधा अपने मकान की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। और आपको ये पूरा रोड दिखाते हुए चल रहे हैं कि देखिए आजू बाजू में कितना बढ़िया, कितना अच्छा रोड है जिस पे आपको मकान पे आने जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। दोस्तों ऐसा सुंदर मकान, ऐसा बेहतरीन मकान और एकदम नया मकान है, अभी तक उस मकान में कोई दूसरा रहा नहीं है और जो है कि इसको मना करके और दूसरी जगह मकान ले रहे हैं वो, इसलिए इसको बेच रहे हैं वो, यहाँ से जा रहे हैं वो लोग, इसी वजह से ये मकान बेच रहे हैं। देखिए रोड कितना चौड़ा है, बगल में गाड़ी खड़ी है, उसके बाद भी बहुत आसानी से गाड़ी अपनी निकल जा रही है, यानी दो दो चार पहिया एक साथ जा सकता है। रोड में कोई कमी नहीं है, रोड बहुत शानदार है, मकान तक आप जाएंगे एकदम पूरा पीछे पीछे पाएंगे। तो ऐसे शानदार और बेहतरीन मकान को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, हम आपको लेकर के दिखाते हैं उस मकान की खूबसूरती और उसके अंदर का डिजाइन वगैरह। और उसमें जो है इतना शानदार मकान बना हुआ है कि वातावरण यानी वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। देखिए ये भी रोड है, ये रोड भी अपने मकान पे ही आ जाएगा। देखिए हम लोग मकान के पास अब पहुंचने वाले हैं और लगभग मकान के पास हम लोग जैसे रोड पहुंचे क्रॉस करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे उस मकान के पास। तो यानी आप देख सकते हैं वीडियो में कि लगभग दो मिनट से कम ही लगा हम लोग को मकान पे पहुंचने पे। और देखिए हम लोग मकान के लगभग पहुंच ही गए। तो ये रहा अपना जो है सामने से हम दिखा दे रहे हैं मकान का ये देखिए सामने से, ये देखिए मकान के सामने कम से कम 15 से 20 फीट का रोड है ये। और ये देखिए ये मकान अपना सुंदर एकदम खूबसूरत एकदम, हम लोग मकान के पास आ गए हैं, फाटक आज खुला हुआ है, चल के हम आपको अंदर से दिखा दे रहे हैं ये मकान का क्या क्वालिटी है। और जो भी मकान में चीज लगा हुआ है, जो भी वस्तु, जो भी सामान लगा हुआ है, सब एक नंबर का एकदम प्रीमियम क्वालिटी का जो है सामान इसमें उपयोग किया गया है, क्योंकि इसको एकदम अपने रह करके खड़े होकर के और बहुत अच्छे तरीके से बनवाया गया है। चलिए इसके अंदर हम आपको दिखा दे एक एक चीज जो कि देखिए ये बगल में है, यहाँ पे एक नलका है, सीढ़ी के नीचे वाला जगह है वो। और ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं, ये अपना कार पार्किंग के लिए है, ये देखिए यहाँ पे अपना अच्छे से कार पार्किंग वाला हो, यानी फॉर्चूनर तक ले आकर आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा उसके लिए आपको जगह मिल गया। देखिए एक छोटा सा रूम है, बगल में ये किचन है छोटा सा, तो इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि बहुत सारे लोग मकान लेते हैं तो नीचे का जो मकान है वो लोग किराए पर दे देते हैं। तो इसमें जो है अभी ये काम चल रहा है, 98% जो मकान पूरा बन चुका है, 2% बचा हुआ है जो बिजली का जो है बोर्ड वगैरह लगाना है उसमें, प्लग वगैरह, यानी आप ये जब मकान लेंगे तो आपको हर एक चीज़ लगा के दिया जाएगा, एकदम फुल अपडेट करके दिया जाएगा, यानी जो भी इसका बल्ब वल्ब जो भी है इसका जो अंदर का इंटीरियर के लिए है खूबसूरती के लिए वो सारा चीज़ आपको बना के दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये सरकाने वाला जो है ये फाटक है, बहुत ही शानदार फाटक है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये फाटक है। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आगे जो देख रहे हैं दो रूम, और इसके बगल में देखिए बाथरूम है, लाइटिंग बाथरूम, तो ये भी पूरा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और पूरा अपडेट करके आपको ये दिया जाएगा दोस्तों। इसके बगल में ये दो रूम है, और इस रूम को अब चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए है कि हम सीधा आप ऊपर चलते हैं, ऊपर के रूम को भी आपको दिखा देंगे। तो ऊपर जो रूम है सेम नीचे ही रूम है। चलिए इधर से हम आपको खिड़की दिखा दे रहे थे, खिड़की बहुत ही शानदार है, और ये अंदर का भी है जो रूम है जो बगल के आप सामने से जो रूम दिख रहा था, यानी नीचे आपको दो रूम, एक छोटा रूम मिल जाएगा उसी से लगा हुआ किचन मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों ये है सीढ़ी, सीढ़ी एकदम चौड़ी सीढ़ी है, और ये मार्बल ग्रेनाइट जो लगा है बहुत ही शानदार लगा हुआ है दोस्तों। इस पर जो है कि मतलब एकदम आरामदायक सीढ़ी बनाया गया है, यानी दिन भर चढ़े दिन भर उतरे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ये देखिए जालीदार, ये भी बहुत बेहतरीन खिड़की लगा था यहाँ पे। और ये देखिए सामने अभी रेलिंग लगाना इस पर बाकी है, जो कि कांच का बहुत सुंदर रेलिंग लगेगा यहाँ पे, तो वो सारा चीज़ आपको लगा के दिया जाएगा, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है इसमें। और ये देखिए हम आ गए अंदर, ये देखिए एक रूम है, बहुत ही शानदार बहुत बड़ा रूम है, और इसी के साथ लगा हुआ है अपन किचन लाइटिंग, नहीं सॉरी ये बाथरूम है, मतलब रूम के साथ ही अटैच कर दिया गया है बाथरूम को, ठीक है। और ये देखिए किचन, तो किचन इस सुविधा के लिए इतना शानदार सुविधा से मॉडुलर किचन बनाया गया है, बगल में आपको खिड़की दिया गया है बहुत बड़ा सा, और पूरा गैप है वहाँ पे कि आपके लिए बगल में कोई मकान बना रहा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये देखिए ये भी अपना एक रूम है, और बगल से खिड़की के लिए व्यवस्था दिया गया है बहुत ही शानदार, और ताकि हवा के आने जाने का कोई दिक्कत इसमें आपको ना हो दोस्तों।
ये देखिए बगल में एक और रूम है, यानी ऊपर 3 रूम है। एक रूम से जो है अपना किचन लैट्रिन, नहीं सॉरी, सिर्फ जो है लैट्रिन अटैच है, वाशरूम वगैरह। और ये देखिए ऊपर का एक लॉन है, आदमी बैठ उठ के आराम से यहाँ पे कोई सा भी मीटिंग वीटिंग करना हो, चाहे घर की कोई बात हो तो, यानी खाना पीना, यानी जिस तरह से जो भी सुविधा लगे उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। और आइए आपको छत पे लेके चलते हैं, सीधा छत पे घुमा देते हैं आपको हम। तो छत के छत पे जाने के लिए सीढ़ी है, और बाकी जो जैसे नीचे जो लगा था रेलिंग के सामने वैसे ये भी लगा हुआ है। और ये देखिए अपना ये फाटक है, फाटक भी बहुत चौड़ा फाटक है, मतलब आपको चौकियों की ऊपर नीचे करना हो, ले जाना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी जाएंगे और आसानी से नीचे आएंगे दोस्तों। ये देखिए ये अपना छत है, और चलिए आपको पीछे वाला भी दिखाते। चारों तरफ से अपडेट प्लस्तरा भी किया गया है, कुछ छोड़ा वोड़ा नहीं किया, यहाँ पे एकदम अपडेट प्लस्तरा है। और बस इसमें थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो इलेक्ट्रीशियन का ही काम बस बचा हुआ है, और कमोड वगैरह शिफ्ट करने के लिए। ये दोनों ये सारा चीज़ आपको शिफ्ट करके ही दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आपको दिखा देते हैं, बगल से प्लस्तरा हुआ है वो भी आप देख लीजिए। चलिए देखिए सब, देखिए टोटल ये प्लस्तरा चारों तरफ से अपने मकान को कर दिया गया है दोस्तों। और आगे चल के आपको दिखा दे रहा है, ये देखिए ये सब वॉश बेसिन वगैरह है हाथों धोने के लिए, ये भी अभी लगना बाकी है। और ये देखिए हम आगे आ गए, एक इधर जो है ऊपर अगर कोई सा प्रोग्राम वोग्राम आदमी बर्थडे वर्थडे मनाता है, चाहे छोटा मोटा जो सा भी प्रोग्राम मनाना हो, चाहे अपना कोई सा इवेंट हो, तो उसके लिए पूरा बढ़िया व्यवस्था दिया गया है। यहाँ पे नल का भी व्यवस्था किया ताकि ये आदमी हाथों धो ले, चाहे इसमें कुछ पौधा वगैरह जो भी लगाना हो लगा ले दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा मकान का वीडियो, इसके बाद साथ ही एक और हम बड़ाड़ा का जो है ज़मीन का भी आपको वीडियो दिखा दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। रहा बड़ाड़ा चौराहा, जस्ट उसी के पास ही अपना लगा हुआ प्लॉट है दोस्तों, और बहुत ही देखिए वो मेन रोड है, गाड़ी आ जा रही है वो मेन रोड है, और उसी मेन रोड से लगा हुआ ये अपना प्लॉट है दोस्तों। तो यानी आप मेन रोड के से जो है ये 20 फीट का रोड आ रहा है, इसी 20 फीट पर आपको क्या बोलते हैं अपना ये मिलेगा, आपको ज़मीन मिल जाएगा रहने के लिए और मकान बनवाने के लिए। यानी आप जो भी है चाहते हैं कि अपना एक सपनों का मकान बनवाएं, तो ये इस लोकेशन के लिए बहुत बेहतरीन है ये, और बहुत शानदार लोकेशन है भी ये। तो दोस्तों ये देख लीजिए, इस चारों तरफ का जो है ज़मीन अभी खाली है, और सब बेचने के लिए तैयार है। आपको जहाँ भी चाहिए, जिस लोकेशन का भी चाहिए, आपको उस लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। हालांकि इधर का बिक गया है, इधर भी थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन जो बचा है आप उसको हम, तो ये थोड़ा जो बचा है उसी में से हम आपको दिखा दे रहे हैं। और दोस्तों इसका हम रेट आपको बता दें, 32 लाख रुपये इकट्ठे का रेट है दोस्तों, मात्र 32 लाख रुपये में आपको ये जो है प्लॉट मिलने वाला है यहाँ पे। और अपने हिसाब से जिस साइज का चाहिए प्लॉट, आप लोग यहाँ से प्लॉट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग से छोटा सा निवेदन है, हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और आप लोग भी मेरा बहुत साथ देते हैं, और आप लोग आते हैं, देखते हैं, प्लॉट लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम आप लोग को प्लॉट दिलाते हैं, इसमें हमको भी बहुत खुशी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो और हमारा जो प्लॉट मकान वकान का वीडियो आपको दिखाते रहते हैं अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही बेहतरीन और शानदार वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहें, और आप लोग अपने मनपसंद ज़मीन प्लॉट मकान वगैरह लेते रहें दोस्तों। तो ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, ताकि और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आपको ला करके दिखा सके दोस्तों। नमस्कार।